नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है और दिल्ली में तो 41 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। बात अगर 1982 की करें तो उसके बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है और इससे पहले 25 जुलाई 1982 में 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2013 में दिल्ली में 123.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर हरियाणा ने यमुना में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। ऐसे में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक इसके मंगलवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार करने की आशंका है। CWC के बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर रविवार दोपहर 1 बजे 203.18 मीटर था, जबकि खतरे का स्तर 204.5 मीटर है। दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित निचले इलाके बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं और वहां करीब 37,000 लोग रहते हैं। ऐसे में बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सेना के 2 जवान पोशाना नदी पार करते हुए डूब गए। मुगल रोड पर कार पलटने से 3 की मौत हो गई, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल है। डोडा में बारिश के चलते हुए भूस्खलन का मलबा एक बस पर गिर गया, इससे बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। वहीं हिमाचल में 5, जम्मू में 2 और यूपी में 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में ब्यास नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया है, पुल नदी में बह गए हैं, कुछ दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। नदी में फंसे कुछ लोगों को NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। मोहाली के डेरा बस्ती में घग्गर नदी का पानी सोसाइटी में घुस गया है, जिसके बाद अब लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला गया है। उधर चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे बनी खेत के पास धस गया। हरियाणा सरकार ने भी बैराज से यमुना में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा। इसके बाद रविवार को दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी दी। यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है और ये खतरे के निशान को पार करने की उम्मीद भी अब बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर आफत वाली बारिश नजर आ रही है। पूरे देश भर में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। जहां गर्मी से राहत के लिए बारिश की उम्मीद जताई जा रही थी, अब यही बारिश आफत बनकर आम जनता के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। तो देश भर के कई इलाकों में, ज्यादातर राज्यों की अगर बात की जाए तो ज्यादातर राज्यों के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बात दिल्ली की करें तो अब दिल्ली में जो ये बारिश हुई है, आफत वाली बारिश बनती नजर आ रही है। ये बरसात अब नुकसान के साथ साथ लोगों को डराने भी लगी है, क्योंकि अब चेतावनी जारी की गई है कि दिल्ली में बाढ़ आने की आशंका है। क्योंकि IMD की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से भी कई जगह के लिए येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले हफ्ते में 15 जुलाई तक ये बारिश का जो मौसम है इसी तरह से रहने वाला है और लगातार बारिश होने की बात कही जा रही है। बात हरियाणा, गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, NCR हर जगह की अगर करें तो बारिश ने हर जगह पर अपना जो हाहाकार है वो मचा रखा है। हर जगह त्राहिमाम हो रहा है। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बारिश आई, आफत लाई। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। साथ ही साथ दिल्ली में तो बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब ये रिकॉर्ड टूटा है तो ऐसे में जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। लोगों का पूरी तरह से जीना मुहाल हो चुका है। तो बारिश ने लगातार मुसीबत को बढ़ाए रखा है। सबसे ज्यादा बारिश की अगर बात की जाए तो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल के लिए बारिश कहर बनकर आई है।
कई राज्यों में नदियां अपने उफान पर हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, यहां तक कि पंजाब की सोसाइटी में तो नाव तक चल पड़ी है, इतना ज्यादा पानी अंदर घुस चुका है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया है और दुकानदार बाल्टी भर भर कर पानी को बाहर खींच रहे हैं। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि आफत वाली बारिश आई है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी की जानी चाहिए, क्या कुछ तैयारी है, आपका गेस्ट से मैं परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रमेश श्रीवास्तव आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आनंद शर्मा पूर्व निदेशक IMD भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली की हालत इस वक्त हम देख रहे हैं, जगह जगह जल भराव है, जलमग्न हो चुकी है पूरी दिल्ली, व्यवस्था की बात की जाए तो लोग बेहाल हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, बाढ़ की अब चेतावनी भी दी जा चुकी है कि बाढ़ दिल्ली में आ सकती है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए कभी आप देखे हैं मुख्यमंत्री जी स्वयं और सारे मंत्री एकदम जनता की मुसीबत को देखते हुए सड़क पर उतर गए, जो भी तैयारियां हो सकती हैं जनता का साथ देने के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। यहां तक ये बाढ़ की चेतावनी वाली बात है तो चेतावनी है ये, क्योंकि हरियाणा में पानी छोड़ा है, काफी ज्यादा छोड़ा है हाथीकुंड बैराज से, और IMD भी बता रहा है कि ये बाढ़ नियंत्रण केंद्र भी बता रहा है कि ये यमुना के जो लोहे वाला पुल है वहां जो खतरे का निशान है उसके ऊपर चला जाएगा। तो हमने जो यमुना के किनारे पानी के पास रहने वाले इलाके हैं जी वहां से जनता को हटा के सुरक्षित स्थान पर ले जाना प्रारंभ कर दिया है जी, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में जान और माल का नुकसान ना हो। दूसरा ये इस तरह की जैसे एक बार अटल जी ने कहा था कि एक आसमानी समस्या होती है और एक सुल्तानी समस्या होती है, तो ये आसमानी समस्या है जैसा कि आपने अपने पैकेज में भी दिखाया है कि पूरे देश में पूरे उत्तर भारत में करीब करीब हिमाचल हो पंजाब हो हरियाणा हो हर जगह गुड़गांव का इलाका हो नोएडा का इलाका हो दिल्ली का इलाका हो हर जगह जो जलमग्नता है उसको हटाने के लिए पंप संपवेल सबकी तैयारी की जा रही है और आज काफी जगहों पे पानी कम है ताकि लोग अदालत में अपने ऑफिसों में आज पहुंच पाए हैं तो। जी बिल्कुल, लेकिन जिस हिसाब से खतरे के निशान की बात की जा रही है रमेश जी कि वो पार कर जाएगा तो बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे, 37,000 लोग वहां आसपास रहते हैं यमुना नदी के किनारे जी, तो उनको निकालने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, उनके लिए कैंप बनवाए जा रहे हैं और उनके खाने पीने की या उनके जीवन यापन की सुविधाएं उनको प्रदान की जाएगी। उसके लिए दिल्ली सरकार उनके विधायक उनके अधिकारी उनके मंत्री पूरी तरह से सजग हैं और अपना काम कर रहे हैं। विजय खेरा जी बात देश भर की अगर करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हर जगह ऐसे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बस पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है, पुल हो सड़कें हो कार हो इमारतें हो गाड़ियां हो ताश की पत्तों की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। विजय खेरा जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपने मुझसे बात की है? जी विजय खेरा जी, जी विजय खेरा जी आपसे ही मेरा ये प्रश्न है। ये बाढ़ देखिए नेचुरल क्लेमिटी जब है, अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए ना तो राजनीति के लिए कोई स्कोप होता है ना करना चाहिए। कुछ बातें जरूर है, जब आप डिबेट में बिठाएंगे तो आएंगे सामने। सबसे पहली बात तो ये थी कि नदियों के जोड़ने की जो व्यवस्था शुरुआत में की गई थी वो पिछले करीब 40-50 साल में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जैसे मैं अभी बात करूं बुंदेलखंड की,
बेतवा केन को जोड़ने के लिए जोड़ने का काम शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे आगे तो बुंदेलखंड में बाढ़ें कम हो जाएंगी। एक तरीका था, दूसरा तरीका था नहरों का चैनलाइजेशन, इन सब चीजों पर काम होना चाहिए था जो अब हो रहा है। ये पहले ही हो जाता तो शायद थोड़ी बहुत सुधार होता। बाढ़ की ओर ध्यान नहीं दिया गया, खासतौर से इसलिए नहीं दिया गया होगा क्योंकि ये कमाई का साधन नहीं है जी। और काम में जो है ना, इसमें तो खाली खर्चा ही खर्चा है। जैसे पोस्ट ऑफिस की तरफ लोग ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो खर्चे का काम है, आमदनी नहीं आती, तो इसलिए ये बाढ़ जो है इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि अब की बार ये दिल्ली की दुर्गति 40 साल बाद हुई है, हमने वो देखी थी उस समय। हम लोग वहाँ जाके महारानी बाग के पास जाते थे, पूरा रिंग रोड डूब जाता था और मुखर्जी नगर में कोई भी घर शायद बचा हो जिसमें पानी न पहुंचा हो, जमुना का हमने अपनी आंखों से सब देखा है। लेकिन वो 30-40 साल में कुछ व्यवस्थाओं पे काम होना चाहिए था, लेकिन ये सोच के कि अब तो चलो ऊंचा उठ गया है ये साइड, वो ऊंचा उठ गया है, अब नहीं आएगा। पर ये सच भी है कि बाढ़ 10-20 साल में इस तरह की आती है तो उसके लिए इतना खर्च क्यों किया जाए। इसीलिए जो है शहर में भी खर्च नहीं करते हैं नगर निगम में अंदर ये लोग, क्योंकि 2-3 साल में ऐसी समस्या आएगी, भरेगा पानी 2-4 दिन में निकल जाएगा 10 दिन में, तो इस पे क्यों खर्चा किया जाए। तो और जैसे दूसरे शहर हैं विकसित देशों में, वहाँ पर इसके चैनलाइजेशन है, शहर में अंदर से पानी जाने की व्यवस्था ढाल करके जगह जगह है, तो उस पर काम हो जाना चाहिए था और अब होना चाहिए। लेकिन इस बाढ़ का सबसे दुखद अध्याय ये है, एक स्कूल बना था और वो स्कूल गिर पड़ा, करोड़ों रुपया दे के बना था। पहली चीज तो ये है कि उस समय सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने करीब करीब 200-300 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन किया था। सारा जो होना था 92 स्कूलों में वो 10-12 स्कूलों में खर्च कर दिया गया, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिजर्व करके किया गया और उसमें भी बिल्डिंग गिर गई। अगर आज स्कूल खुला होता, आज वहाँ बच्चे होते, तो शायद विश्व के इतिहास में एक अजीब घटना होती जिसके लिए हम लोग बरसों रोते बैठ के, आंसू बहाते, देख देख के, सोच सोच के उस घटना से बचे। पर उस पर आज विचार करना चाहिए दिल्ली सरकार को कि कैसे हुआ, इससे काम नहीं चलता गया। वहाँ पानी नहीं भरा था, नगर निगम वालों ने क्या किया, जिनने सफाई नहीं की उनकी हम नौकरी ले लें, उससे क्या लेना देना। सवाल तो इसका है, उस बिल्डिंग की इंक्वायरी करो और अगर इस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो फिर वही सवाल आएगा, क्या हमको फंसा दिया, इनको फंसा दिया, उसको फंसा दिया। ठीक है विजय खेरा जी, ठीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब मैं रमेश जी लूंगी, लेकिन उससे पहले आनंद शर्मा पूर्व निदेशक IMD हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आनंद जी की इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है, कारण क्या हो जाता है कि इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, और जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं ये बेहद चिंताजनक है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कोई ग्लेशियर है जो दरक रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए मानसून का सीजन है और मानसून के सीजन में ज्यादातर पूरे देश में, यानी कहीं करीब करीब बात करें 75% एरिया में। आनंद जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हेलो, चलिए, देश के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है, इस पर जो आगे की हमारी चर्चा है वो उसे जारी रखें। किसी भी राज्य की बात करें, जो आफत वाली बारिश है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है, इसका क्या कुछ कारण है, अचानक से गर्मी की राहत की जो उम्मीद लगाई जनता बैठी थी, अचानक से ऐसी भारी बारिश हुई कि अब वो उसके लिए कहीं ना कहीं आफत बन गई है, राहत नहीं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विजय खेरा जी जुड़े हुए हैं, रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आनंद शर्मा पूर्व निदेशक IMD हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था लेकिन किसी नेटवर्क इशू की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी, मैं अपना सवाल फिर से दोहराना चाहती हूं और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूं कि लगातार IMD की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि 15 जुलाई तक अभी भीषण बारिश हो सकती है, इसी तरह का हालात रहने वाले हैं कई राज्यों में, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस बारिश का मुख्य कारण क्या है, क्यों अचानक से इतनी बारिश हो गई, इसके पीछे का कारण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ है जो काफी स्ट्रांग है, इसको वेस्टर्ली ट्रफ कहते हैं, वो अपने साथ नमी लेके आता है कैस्पियन सी के साथ और कई बार अरबी सागर से भी अपनी नमी खींच लेता है, वही पूर्वैया भी आ रही है हमारी बंगाल की खाड़ी से और एक जो है कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है दक्षिण पश्चिम राजस्थान के आसपास, और जो मॉनसून ट्रफ है वो भी अपनी सामान्य पोजीशन से दक्षिण में स्थित है जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, उसके चलते ज्यादा ईस्टर्लीज आ रही है पूर्वैया, और दोनों का जो इंटरेक्शन जब होता है तो
तो पुरवैया नमी लेके आ रही है और वो सिस्टम है, तो उसको खास कर वो जो पहाड़ी क्षेत्र में और उत्तर पश्चिम भारत में ये सिस्टम बहुत बारिश देता है, और जब ये आगे को बढ़ता है तो फिर पूर्व में भी बारिश देता है। तो इसी के चलते जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपके जो है इन क्षेत्रों में, खासकर उससे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भी अच्छी खासी बारिश हुई और चेतावनी भी थी। मगर अब मेरा ये मानना है कि कल से जो है सुधार हो जाएगा, खासकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सुधार होना चाहिए। बारिश हल्की बहुत तो कंटिन्यू रहेगी, मगर चेतावनी जो है वो उत्तराखंड के लिए खासकर और यूपी के लिए आगे जारी रहेगी। लेकिन तो उत्तराखंड में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा जी बिल्कुल, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी जो राज्य हैं या फिर जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा सावधानी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर पहाड़ कब दरक जाएं, थोड़ी सी बारिश के बाद भी ये पता नहीं, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भारी वर्षा, और जब भी हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे ज्यादा बारिश होती है तो सारा पानी आ जाता है यमुना में, और उससे चलते फिर दिल्ली का जो है लेवल बढ़ जाता है यमुना का, और यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो इसलिए अब दिल्ली के लिए थोड़ा सा 24 आवर्स थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो लोग जो है, मुझे लगता है शासन उन लोगों को जो बिल्कुल नदी में जाके खेती करते हैं या रहते हैं, उनको हटाना होगा वहां से, क्योंकि लेवल बढ़ेगा, और मुझे लग रहा है दो दिन के बाद फिर वो लेवल फिर नदी का नीचे आ जाएगा। बिल्कुल, राज्य सरकारों को, प्रशासन को लगातार मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के हालात अभी देश भर में नजर आ रहे हैं, ज्यादातर राज्यों में नजर आ रहे हैं। रमेश जी, अभी विजय खेरा जी ने कहा कि ये जो बातें की जाती हैं कि तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर जब बात की जाती है तो जो दावे वादे किए जाते हैं उनकी सबकी पोल खुलती हुई नजर आती है। जो स्कूलों का शिक्षा मॉडल का जो हवाला दिया जाता है वो पूरी तरह से साफ दिखाई देता है कि किस तरह के घोटाले उसमें किए जाते हैं, कि स्कूल की छत की पूरी की पूरा स्कूल ही गिर जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी सरकार किसी भी तरह की तैयारी एकदम अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व स्थितियों के लिए नहीं की जा सकती। जहां तक वो स्कूल की बात कर रहे हैं, 35 साल पुरानी वो दीवार है, वो पूरा विद्यालय नहीं गिर गया है। तो 35 ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि बारिश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में तो एक गुरुद्वारा ढह गया। तो कहने का मतलब ये कि इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये इस तरह की समस्या है जिसका सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। और उन्होंने शुरू में ही कहा था कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इस पर हम भी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपदा का समय है, बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, आपदा का समय है, और सिर्फ हम ये बातचीत ही करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ राजनीति ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। जिस हिसाब से किलोमीटर तक लंबे जाम लग रहे हैं, उससे सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि थोड़ी सी ही बारिश के बाद, 24 घंटे की ही बारिश हुई है लगातार दिल्ली की बात की जाए तो, इसको लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज लाइंस हैं, इनको क्लियर रहना चाहिए, वाटर लॉगिंग की जो समस्या आ रही है उसको लेकर व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मैं बता दूं आपको कि आपका कहना है कि 24 घंटे पड़ रही है, ठीक है, लेकिन 24 घंटे में बारिश हुई कितनी है? ये आपने अपने पैकेज में बताया है कि पिछले 40 वर्षों में बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा है, तोड़ दिया। हाँ, जितनी पूरे सीजन में बारिश होती है उसका 20% एक ही दिन में जब बरस गया, तो किसी भी तरह का ड्रेनेज सिस्टम हो वो फेल हो सकता है, और कुछ जगहों पे यही हुआ है। आपने देखा है कि नई दिल्ली के एरिया जहाँ पे की राजधानी के मुख्य VIP लोग रहते हैं, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सबसे टॉप ऑफ द क्लास है, लेकिन वहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई, क्योंकि बारिश हुई ही इतनी ज्यादा कि गुड़गांव हो, नोएडा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नई दिल्ली का एरिया हो, पुरानी दिल्ली का एरिया हो, हर जगह ये समस्या आई है, और इसको बड़ी तेजी से निकाला गया है। तभी आप देखे हैं कि कल सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे अधिकारी संडे होने के बावजूद छुट्टियां कैंसिल करके लगे थे। आप एक राज्य ऐसा बता दीजिए पड़ोस में जहाँ की मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक सब की छुट्टियां कैंसिल करके उतर गए सड़क से, एक राज्य बता दीजिए। जी, तो तैयारियों को लेकर अगर अगर बात की जाए, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है दिल्ली की? तैयारियां मैंने आपको बताया कि जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए कैंप बनाए जा रहे हैं, और उनके जीवन यापन की सुविधाएं विकसित की जा रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि लगातार बाढ़ नियंत्रण कक्ष से बाढ़ की स्थिति पर या फिर पानी के जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तीसरी बात यह है कि विद्यालय आज बंद कर दिए गए हैं, और
स्थिति पर नजर रखते हुए अगर संभव हुआ तो कल से खोला जाएगा, नहीं तो कल भी बंद रहेगा। ये जो स्थितियां हैं इसका सबको मिलकर मुकाबला करना और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल आनंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती लगातार गर्म होती जा रही है, ऐसे में जो दुनिया भर में तय सीमा से अधिक जो बारिश हुई है, क्या वो बाढ़ के हालात बना सकती है या इसका कोई और उपाय भी हो सकता है? आनंद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, किसी नेटवर्क इशू। विजय खेरा जी जाते जाते आपका एक रिएक्शन चाहेंगे। देखिए इस तरह के हालात विकसित देशों में भी होते रहते हैं, अक्सर शहरों में आपने देखा होगा, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, गाड़ियां बह जाती हैं, तो हालात तो ऐसे होते रहते हैं। और मैं जहां तक समझता हूँ इस समय कम से कम दिल्ली नगर निगम एक सुरक्षित और बड़े अच्छे अधिकारी के हाथों में है, जाने भारतीय अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनकी मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन ये जो हालात दिखाएक पैदा हुए हैं ये सचमुच में सही बात है, प्राकृतिक आपदा इतनी ज्यादा की कभी उम्मीद नहीं थी। नहीं तो अभी नगर निगम के हालात पिछले कई सालों से बरसात में 3-4 साल से ठीक चल रहे हैं, प्रशंसनीय है। लेकिन ये बात जरूर है, क्या जो क्षत गिरी है उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएगी दिल्ली सरकार? इतना मैं निवेदन जरूर करूंगा, उसको करा लेना चाहिए और अगले 3-4 दिन स्कूल बंद रखे, नहीं कहीं और कोई दीवार न गिर जाए। जी विजय खेरा जी, रमेश जी, आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर तरीके से इस समस्या को समझकर इसका निदान निकालने के लिए आप लोगों ने जिस तरह से बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस स्पेशल पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।